इस संसार में सब कुछ नाशवान है, जीव जंतु प्राणी समुद्र पहाड़ सब कुछ, और इन सबको संचालित करता है काल। काल का सबके ऊपर वश है, काल के ऊपर किसी का वश नहीं। अवंतिया उज्जैनी भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। पुराणों में इस शहर की कई कथाएं मौजूद है, यहाँ तक कि उज्जैनी को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बताया गया है, जहाँ से समय की गणना की जाती है। कहते हैं कि समय ही शुरुआत है और समय ही अंत, मगर इस समय के ऊपर भी कुछ है और वो शिव है। काल को अपने वश में करने वाले संचारक की कहानी ढूंढती हुई आई हूँ मैं सारा, कहीं सुनी द मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ इंडिया में। महाकाल का उज्जैन के साथ क्या संबंध है? देखिए, महाकालेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग सारे देश में माने जाते हैं, उनमें से महाकालेश्वर उज्जैन में स्थित है। उज्जैन का ज्योतिर्लिंग सारे भूमंडल का स्वामी है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या है? जो यानी ज्योति यानी एक तरह से प्रकाश पुंज, जी समझे ना, प्रकाश पुंज के रूप में होते हैं। आकाश में तारकात्मक रूप में लिंग है, पाताल में हाटकेश्वर नाम से है, और मृत्यु लोक में महाकालेश्वर। तो सारे मृत्यु लोक यानी भूमंडल के स्वामी जब महाकालेश्वर हो तो शेष 11 ज्योतिर्लिंग भी उनके अधीनस्थ हो जाते हैं। महाकाल का ज्योतिर्लिंग इंडिया के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दी सेंटर्स ऑफ लाइट एंड नॉलेज आज भी सबसे बड़े तीर्थों में आते हैं। इनके बनने की कहानी बहुत ही फैसिनेटिंग है। वास्तव में ज्योतिर्लिंग की जो कथा है वो वास्तव में इस रोज शिवरात्रि के रोज शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था। प्राकट्य भी इस प्रकार हुआ था कि विष्णु और ब्रह्मा में एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई थी। ब्रह्मा को अभिमान हो गया कि मैंने सारी सृष्टि की रचना की, तो मैं सारी सृष्टि का पितामह हूँ, मुझे सबने सम्मान करना चाहिए, इज्जत देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि की रचना की है, सृष्टि को बनाया है, पालनहार व्यवस्था भगवान विष्णु के हाथ में रही है। जब उनके अपने अपने एक ईगोस बन जाते हैं, कभी एक प्रवृत्ति है कि बड़ा कौन। इस सृष्टि का कर्ता तो मैं ही हूं, इस बात में कोई संदेह ही नहीं। सृष्टि के कर्ता हो तो किंतु सृष्टि बनाई किसने? जब कुछ नहीं था तो मैं कदापि नहीं, जब कुछ नहीं था तो अनंत सागर था, और इस अनंत सागर की लहरों पे मेरा वास था। तब मेरी नाभि से निकला था एक कमल का फूल, और उस फूल पे विराजमान थे आप ब्रह्म। और ये बात बिल्कुल मत भूलिए कि मेरी निद्रा की एक झपकी आपके सृष्टि का अंत काल है। मूर्ख हो तुम विष्णु, मूर्ख। मैं ब्रह्म किसी से पैदा नहीं हूं, मैं तो स्वयं से ही उत्पन्न हुआ हूं। मुझे किसी मायावी नारायण ने जन्म नहीं दिया। आप अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं ब्रह्म। उनमें युद्ध हुआ, अब उनमें युद्ध इस प्रकार पका हुआ कि उन्हें अपने जो आग्नेय शक्तियां थी एक दूसरे के ऊपर प्रहारित कर दी। आग्नेय शक्तियां जब एक दूसरे से टकराती तो ये सृष्टि तो उसी टाइम नष्ट हो जाती। तो ऐसी स्थिति में जब देवता लोगों ने शिव से प्रार्थना की तो शिवलिंग के रूप में एक विशाल शिवलिंग जो दोनों के बीच में स्थापित हो गया। जब कुछ नहीं था तो ना आप थे ब्रह्मा ना तुम नारायण। जब कुछ नहीं था तो अंधकार था, उस अंधकार में थे शिव और शक्ति। अनंत काल तक केवल हम ही तो थे। शक्ति को प्रसन्न करने के लिए मैंने ओम का उच्चारण किया और उससे पैदा हुई ऊर्जा जो अनंत काल के अंधेरे को मिटाकर सृष्टि की जननी बनी। इस ऊर्जा से ही शुरू हुआ काल। एक तरफ ब्रह्मा जी, एक तरफ विष्णु, और बीच में शिव का लिंग एक इतना प्राकट्य हुआ कि जिसका आदि अंत कोई नहीं देख पाता था। और उसमें से भविष्यवाणी हुई कि इस ज्योतिर्स्तंभ की जो था को पकड़ लेगा वही संसार का सबसे बड़ा देव कहलाएगा। विष्णु ने अब कछुआ का रूप धारण करके नीचे के स्तर को देखने की कोशिश की। तो सचमुच अंतरी
यही हमारा सत्य है? क्या रोशनी और ये ऊर्जा क्या यही हमारे होने का कारण है? तो भगवान विष्णु तो पाताल में गए अपने गरुड़ वाहन पे बैठ के, तो एक पोजीशन ऐसी आई कि विष्णु भगवान तो थक हार के वो एक जगह से पलट आ गए, जहाँ से वो पलटे उस स्थान से भी हजारों किलोमीटर योजन तक वो जा रहा था ज्योतिर्स्तंभ। ब्रह्मा ने पक्षी का रूप धारण करके ऊपर उड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन उस अनादि शिवलिंग का आरंभ और अंत कोई देख नहीं पाए। नहीं, मैं नहीं मान सकता। अवश्य ये ऊर्जा मुझी से जन्मी, और यदि मैं इसका जन्म दाता हूं तो इसका अंत भी मुझी से। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, अवेलेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस।